नमस्कार, मैं हूं सिमरनजीत सिंह और आज बात करते हैं बिहार के जाने माने और चर्चित नेता जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मधेपुरा के पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की। पप्पू यादव जिस प्रकार से राजनीतिक सक्रियता दिखाते हैं, उससे कई बार लोगों को उनके बारे में अंदाज लगाना मुश्किल भी हो जाता है और उनके बारे में कई तरह की गलत फहमियां भी हो जाती हैं। लेकिन वो जिस प्रकार की भाषा और जिस प्रकार के मुद्दों का चयन करते हैं, उससे उनके राजनीतिक भविष्य का अंदाजा बरबस ही लगाया जा सकता है। आज हम इस बात की समीक्षा करने जा रहे हैं कि पप्पू यादव ने हाल के दिनों में जिस प्रकार के राजनीतिक घटनाक्रमों, राजनीतिक सक्रियता और राजनीतिक कार्यक्रम के साथ जो राजनीतिक बयान दिए हैं, उससे कुछ बातों का अंदाजा लग सकता है कि पप्पू यादव का अगला ठिकाना कहां हो सकता है। पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव हैं और पूर्व सांसद हैं। अक्सर न्यूज चैनलों पर कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट के तौर पर वो दहाड़ती हुई नजर आती हैं। पप्पू यादव इन दिनों कांग्रेस के पक्ष में जमकर बयानबाजी कर रहे हैं, या यूं कहें कि आज सोशल मीडिया के दौर में ट्विटर पर वो लगातार कांग्रेस के हक में बोल रहे हैं। हम आपको बताएं कि राजस्थान में जो सचिन पायलट का प्रकरण हुआ, जो राजस्थान में राजनीतिक घमासान हुआ, उसके बाद कांग्रेस नेतृत्व ने एक सख्त फैसला लेते हुए निवर्तमान डेप्यूटी सीएम और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट को उनके पद से हटा दिया। पप्पू यादव ने इस बर्खास्तगी का खुलकर समर्थन किया। पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा कि राजस्थान में कांग्रेस ने जो फैसला किया है वो बिल्कुल सही फैसला है। ये कांग्रेस का आंतरिक मसला था, लेकिन पप्पू यादव इस पर मुखर हुए। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि राजस्थान में जो कांग्रेस का फैसला है वो बिल्कुल सही है, सिद्धांत और पार्टी संगठन से बड़ा कुछ नहीं होता है। पप्पू यादव यही नहीं रुके, उन्होंने सचिन पायलट के साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि पिछले दिनों कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उन पर भी निशाना साधा। पप्पू यादव ने कहा कि चमकदार चेहरे सिर्फ दिखाने के लायक होते हैं, काम और विश्वास के लायक नहीं होते हैं। पप्पू यादव ने एक स्वर में कई निशाने साधे। एक तरफ उन्होंने राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस के कदमों की सराहना की, तो उन्होंने दूसरी ओर सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो दोनों कांग्रेस से बागी चल रहे हैं, सचिन पायलट अभी बागी हुए हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में जा चुके हैं, तो पप्पू यादव ने दोनों पर एक सिरे से निशाना साध दिया और उन्होंने कहा कि चमकदार चेहरे सिर्फ दिखाने लायक होते हैं, भरोसे के लायक नहीं होते हैं। तो इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि पप्पू यादव जो है कांग्रेस के पक्ष में खुलकर बैटिंग कर रहे हैं और उनका अगला रास्ता कांग्रेस का ही हो सकता है। मामला यहीं पर नहीं रुकता है। मध्य प्रदेश में गुना है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का निर्वाचन क्षेत्र हुआ करता था, जहां से वो पिछली दफा चुनाव हार गए। वहां एक दलित युवती के साथ बलात्कार की घटना होती है। पप्पू यादव यहां भी खामोश नहीं रहते। यहां इस घटना के बहाने भी वो कांग्रेस के पूर्व और भाजपा के वर्तमान नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को लपेट लेते हैं। पप्पू यादव ने ट्विटर पर एक तस्वीर साझा की है जिसमें बच्चे रो रहे हैं और उन्होंने लिखा है, गुना के गुनहगार महाराज और शिवराज। शिवराज सिंह चौहान वहां के मुख्यमंत्री हैं, जिसको उन्होंने शिवराज कहकर तंज कसा है, कटाक्ष किया है। गरीब किसान दलित पर अत्याचार, इसीलिए तो बोली लगा कीमत चुकाकर बनाई जाती है भाजपा सरकार। पप्पू यादव ने यह साबित करने की कोशिश की कि वो कांग्रेस के बहुत नजदीक हैं और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में भाजपा ने कांग्रेस की सरकार गिराई ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद से, तो उस पर भी कांग्रेस के लिए खोलकर पप्पू यादव ने बात कही है, ट्वीट किया है, अपने विचारों को रखा है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि पप्पू यादव जिस प्रकार राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस का लगातार समर्थन और बचाव कर रहे हैं, उनका अगला ठिकाना कांग्रेस ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।